बड़ी खबर मणिपुर से है, जहां हिंसा ने एक बार फिर से अपनी आंख पकड़ ली है। स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। गुस्साई भीड़ ने इम्फाल में मंत्रियों और विधायकों के घर में आग लगा दी, उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गोले छोड़े। हालात अब भी तनावपूर्ण में ही बने हुए हैं। तनाव की स्थिति तब बनी जब ड्रिनी नदी में 3 शव मिले। इसी को लेकर नाराज लोगों ने मंत्री के घर का रुख किया। तब उन्हें पता चला कि मंत्री जी राज्य में है ही नहीं। इसके बाद नाराज लोगों ने घर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की गई। हालात को देखते हुए इम्फाल के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 जिलों में नेट बंद कर दिया गया है। मणिपुर फिर से एक बार हिंसा की आग में जल रहा है।